दर्शनार्थ लोग लगे हुए हैं सभी, और पाइप है, रेलिंग वगैरह सब लग रही है, और 14 वो जागरण है बाबा का, 15 वो मेला है, व्यवस्था में कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी चल रही है, कोई वैसे नहीं है कि दर्शनार्थियों को बढ़िया दर्शन करने के लिए झूला वगैरह सभी लगे हुए हैं। बढ़िया विशाल भंडारे का भी आयोजन हो रखा है और खूब बढ़िया तरीके से व्यवस्था चल रही है। जितने भी दर्शनार्थी आए हैं उनको दर्शन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूर दराज से दर्शनार्थी आते हैं। जयपुर का अनन्य भगत है बाबा का, जिसने उसकी वाइफ को मृतक घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने, तो फिर थोड़ी देर बाद में उसके भगत ने, ड्राइवर ने आके उसको बताया कि वो ध्यान लगाया वो भगत कि बाबा ये क्या किया, तो थोड़ी देर बाद में उसके ड्राइवर ने आके बोला कि मैडम एकदम ठीक हो गई है, और यहाँ पर जितनी भी मनोकामना के लिए बाबा के दर्शनार्थी नारियल वगैरह बांधते हैं वो जेटो ऑटोमेटिक गुरुवार को हमें पड़े हुए मिलते हैं, और बाबा 2-4 रोज में जो गुरुवार को भगत आते हैं उन्होंने हमें बताते हैं कि बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, और जितने भी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं उनकी बहुत बड़ी। 20 जनवरी को शाकंभरी मैया का प्रकट्य महोत्सव है, उस उपलक्ष में सभी भक्तों के द्वारा 20 जनवरी को उदयपुर वाटी से मैया की चुंडी यात्रा निकाली जाएगी, जो करीब 9000 फीट होगी और 15,000 से 20,000 भक्तों के द्वारा निकाली जाएगी। यह यात्रा पिछली दफ़ा निकाली गई थी 7000 फीट की, इस बार उससे कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं भक्तों के द्वारा, और 9000 फीट की यात्रा शाकंभरी से उदयपुर वाटी से और सकराय धाम जाएगी, शाकंभरी माता के यहाँ पैदल जाएगी, करीब 16 किलोमीटर की यात्रा है ये। सब कितना टाइम हो गया जो ये आयोजन करते हो आप लोग? ये अभी साल दूसरा प्रोग्राम है, बीच बीच हमें हम लोग 151 फीट का अपने नवरात्रा आती है, 2 नवरात्रा आती है उसके अंदर 151 फीट की चूंडी यात्रा काम प्रोग्राम करते हैं, और ये बड़ा आयोजन होता है माई के प्रकट्य महोत्सव पर, तो ये पिछली दफा भी किया था। इसमें नीमच से मंदसौर से यहाँ से ढोल लगाड़े और अपना पुष्प बारिश के लिए तोप ये सब आते हैं, वहीं से जमूरे वगैरह आते हैं नाच गाने के लिए, तो वो सब यात्रा के आगे आगे चलते हैं।